मुरादाबाद के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना भोजपुर इलाके के खानपुर निवासी रमेश को परिजनों ने आज सुबह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि सुबह 8 बजे से दोपहर तक उनके मरीज को कोई इलाज नहीं दिया गया, जिसके कारण उनके मरीज की लापरवाही के चलते मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केस है, जिला अस्पताल में ये हुआ सर। सुबह अचानक मेरे पिताजी के चाय पीते पीते फंदा लगा, उनके सीने में दर्द उठा और मैं 108 एम्बुलेंस से यहाँ लेकर आया। उनके सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं कहता रहा हूँ, सुबह से चिल्ला रहा हूँ कि आप जो है ऑक्सीजन दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए। किसी ने कोई ऑक्सीजन नहीं लगाई। एक RL की वो जरूर ड्रिप चल रही है अभी, और कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया अभी तक भी। और अब उनकी जब डेथ होने को आई है, आखिरी सांस जब उन्होंने ली है, तब मैं चिल्लाया हूँ, CMO साहब के लिए फ़ोन करवाया है, तब जाके ये लोग भागे तो ऑक्सीजन लगाइए। बिल्कुल डेड बॉडी पर ऑक्सीजन लगानी शुरू की है उन्होंने। जी लापरवाही पूरी है जी। योगी जी ने पूरी ऐसी छूट दे रखी है कि कोई भी काम मत करो, कोई सब मजे से हैं, आप किसी गरीब की कोई नहीं सुनता यहाँ। मैं चाहूँगा मेरे पिताजी की डेथ हुई तो हुई, कोई भी गरीब आदमी आए उसको समय से स्टाफ को इतना टेस्ट किया जाए हॉस्पिटल के कि वो समय से उसको ट्रीटमेंट दें, चाहे उसका कोई बारिश है या नहीं है। जीवन बचाने के लिए भगवान माना जाता है डॉक्टर को, पर यहाँ तो भगवान नहीं, राक्षस हैं।